एक 8 साल का बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े भले ही गंदे थे लेकिन मन एकदम साफ। करीब से देखा तो पता चला उसके नन्ने नन्ने से प्यारे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। कई लोग उसकी तरफ आकर्षित थे पर वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो बच्चा उठकर जाने लगा तो एक अजनबी व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा का देहांत हो गया है, उनके लिए स्वर्ग, मेरी माँ रोती रहती है उनके लिए सब्र, और मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है उसके लिए पैसे। अजनबी ने पूछा, स्कूल जाते हो ना? उसने कहा, हाँ जाता हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा, अरे अंकल पढ़ने नहीं, मैं तो चने बेचने जाता हूँ, माँ चने पैक करके देती है, मैं वही पैकेट स्कूल जा बेचता हूँ, कई बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम है। बच्चे का एक एक शब्द अजनबी की रूह में उतर रहा था। अजनबी ने न चाहते हुए भी पूछ लिया कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? बच्चे ने कहा, पता नहीं, लेकिन माँ तो कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अजनबी ने कहा, तुम्हारी माँ एकदम सच कहती है। इस पर बच्चा बोला, नहीं अंकल, माँ रोज झूठ भी बोलती है। अजनबी चौंक गया तो बच्चे ने कहा, रोज खाना खाते वक्त माँ हमें देखती रहती है और जब मैं बोलता हूँ माँ तुम भी खाओ ना, तो कहती है, बेटा मैंने तो कब का खा लिया। अजनबी की आंखों में आंसू आ गए तो उसने पूछा, अगर तुम्हारे घर का खर्चा मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं। अजनबी हैरान रह गया और उसने वजह पूछी। बच्चे ने कहा, अंकल पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता, वो पास से गुजर जाते हैं और कभी कुछ नहीं पूछते। अजनबी को शर्मिंदगी महसूस हुई। अजनबी ने पूछा, रोज इसी मंदिर में आते हो? बच्चे ने कहा, अंकल यहाँ मेरे पापा भी आते थे और सब उन्हें जानते थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद अब हमें कोई नहीं जानता, जो कल तक हमें अपने लगते थे वो भी अब हमें नहीं पहचानते। बच्चा जोर से रोते हुए कहता है, पापा के देहांत के बाद सब अजनबी क्यों हो जाते हैं अंकल, बोलिए ना। अजनबी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे न जाने कितने बच्चे, कितने परिवार हमारे आसपास रहते होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि वह शाम को खाना खा पाएंगे या नहीं। कई ऐसे बिन पिता के परिवार होंगे, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि उन्हें कुछ मदद चाहिए या नहीं, या उनकी कोई मदद कर सकते हैं या नहीं? भगवान ने हमें अगर संपत्ति दी है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ हमारे परिवार की देखभाल करें। अगर हमारे देश में एक अमीर परिवार एक गरीब परिवार को ऊपर लाने में थोड़ी सी मेहनत करे तो गरीबी कुछ ही वर्षों में गायब हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।